सो so, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट हैज लॉन्च अबुद प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर वेरियस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डिसाइडेड टू टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स द इनवायरमेंट एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम हैज बिन लॉन्च बाय विस स्टेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च ग्री अवॉर्ड विनिंग क्यूज कम्पिटिशन एंड ई मैगजीन इसका आपने नाम बताना है हुज बीन अपॉइटेड एज डी एंड सी ऑफ धन लक्ष्मी बैंक विच बॉलीवुड एक्टर हैज लॉन्च द मोबाइल एक्शन फेयरलेस गेम जिसका नाम है फोजी तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपने बताना है द तबल ऑफ विच स्टेट हैज वन फर्स्ट प्राइज एट रिपब्लिक डे परेट जो अभी हमने ट्वेंटी सिक्स

गाइज इनके आंसर्स एट द एंड आप क्रॉस चेक कर सकते हो तो शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व तो कौन से डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है मई मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे फर्स्ट डेट को सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे ये आपने याद रखना आई एल ओ के हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे ओके okay, तो फर्स्ट मई मंथ का फर्स्ट डे फर्स्ट को ही आ गया तो ये आपने ध्यान रखना इंटरनेशनल लेबर डे याद रखिएगा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव द आशीर्वाद स्कीम एड फ्रॉम टू तो बेसिकली ये स्कीम है जो लो क्लास फैमिली इनकम्स की जब भी किसी गर्ल की शादी होती है तो सरकार इक्कीस हजार रुपए देती थी ना इक्कीस हजार से बढ़ा के इसे फिफ्टी वन थाउजेंड रुपीज कर दिया गया तो ये आपने बताने की कौन से स्टेट की कैबिनेट द्वारा इसे अप्रूव किया गया करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी पंजाब पंजाब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कैप्टन अरमिंदर सिंह इज द सी एम एंड वी पी सिंह बडनोर इज द गवर्नर ऑफ पंजाब तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे बढ़ते हैं हु हैज हुजेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर कमांडिंग इन बी आर ओ बॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वैशाली एस हिवासा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अबाउट बी आर ओ बी आर ओ की जो डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी वो आपको याद रखना है ओके okay. एंड इसमें ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था फर्स्ट इंडियन कीर्ति करनाथ इनका नाम आप याद रख लीजिएगा सुवीर कुमार गुप्ता का नाम भी इंपॉर्टेंट है शिवालिक मर्सेंटाइल uh, जो uh, एक uh, बैंक है हमारा ओके एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट हो गया ये काम एंड इसको आर द्वारा लाइसेंस दिया गया था ये फर्स्ट जो हमारा शिवालिक मर्सेंटाइल बैंक है यूपी बेस्ड है एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ये काम कर रहा है तो ये यूपी बेस्ड है ये आप याद रख लीजिएगा एंड सुवीर कुमार गुप्ता इसके एम डी एंड सी हैं वो आप याद रख लीजिएगा एंड मनोज दासा भी ये हमारे काफ़ी जाने माने एक कवि थे इनका निधन हो गया ये आप याद रखें एंड गाइज वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक like ज़रूर कर दीजिए एंड आज की वीडियो का भी हम लाइक टारगेट रख रहे हैं वन थाउजेंड लाइक्स मैं देख रहा हूँ कि हम इस लाइक like टारगेट को भी अचीव नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो वाई अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है अगर आप हमारे डेली व्यूअर्स तो आपको सपोर्ट करना दिस इज यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वीडियो को लाइक एटलीस्ट आपने जरूर करना है आगे बढ़ते हैं विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन फीचर्ड इन टाइम्स मैगजीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लिस्ट ऑफ हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज नॉट ओनली दिस इसके साथ साथ देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर इसका हो गया बाइजू एंड इसके साथ साथ हमारा बाइजू के साथ साथ एक और भी आया जी दो आपने याद रखने ओके okay? बाईजू एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो हमारा जियो प्लेटफॉर्म वो भी इसमें नामित हुआ है ओके okay? इंक्लूड हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाईजू इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपने याद रखना है बाईजू से आपको याद होगा इसने कुछ टाइम पहले आकाश में भी कुछ स्टेक को परचेज किया था आगे बढ़ते हैं रिलायंस फाउंडेशन विल सेटअप हंड्रेड बेडेड कोविड केयर फैसिलिटीज़ इन विच सिटी तो कहाँ पर इंक्लूडिंग वेंटिलेटर्स भी रहेंगे थाउजेंड बेड की फैसिलिटी ये रिलायंस फाउंडेशन ने डिसाइड किया ये सेटअप करने वाला है तो कहाँ पे करेगा गुजरात के जामनगर में इसे सेटअप करेगा सो जामनगर इज़ द करेक्ट आंसर एंड जामनगर से आपको ज़रूर याद आ रहा होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जू भी यहीं जामनगर में ही बनने जा रहा है वो भी रिलायंस ही बनाने जा रहा है रिलायंस लाइक अनंत अंबानी मुकेश अंबानी जी के जो सबसे छोटे बेटे उनका ये प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पर बनेगा तो वो भी अब याद रख लीजिएगा

फाइनेंस सेक्रेटरी तो ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट रहेगा ओके एंड वेयर अबाउट ये आप याद होगा एक नॉवल जो कल ही मैंने आपको बताया था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था उसके ऑथर जम्पी लहरी वो आप याद रख लीजिएगा एंड प्रफुल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो चेयरपर्सन है वो है प्रफुल पटेल वो आप याद रख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इज़ द एम डी एन सी ऑफ एक्सीज बैंक अब ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों है क्योंकि अमिताभ चौधरी को तीन साल का एक्सटेंशन दे दिया गया एज द एम डी एंड सी ऑफ एक्सीज बैंक ओके okay. एक्सीज बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगी एंड इसकी जो टैग लाइन है वो भर्ती का नाम जिंदगी एंड फाउंडेशन इसका नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री में हुआ था ओके okay. सो so, अमिताभ चौधरी इज द करेक्ट आंसर संदीप बक्षी आई सी सी आई बैंक के एम डी एन सी हैं वी वैद्यानाथन आई डी एफ सी फर्स्ट के एम डी एंड सी यू हैं एंड सुमंत ये बैंक के एम डी एंड सी हैं

Uh, दिवस यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी स्कीम की शुरुआत की गई थी तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्टिथ अप्रैल तीस अप्रैल को यानी कि कल के दिन हमने आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे गुजरात एंड महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड देयर फाउंडेशन डे बेसिकली आज के दिन ही गुजरात एंड महाराष्ट्र का 1960 हंड्रेड सिक्सटी फर्स्ट मई नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी दोनों स्टेट्स का फाउंडेशन हुआ सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट मई कहने कि आज के दिन गुजरात एंड महाराष्ट्र अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद एच पी सी एल एंड एन आई ई डी ओ फॉर लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट इनकी फुल फॉर्म क्या है एच पी सी एल की एच पी सी एल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है जो यूथ है लद्दाख की उनको एक बेसिकली एक प्रॉपर गाइडेंस सो डैट की उनको एक बेटर फ्यूचर सिक्योर किया जा सके ओके okay, तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है लद्दाख इग्नेटेड माइंड्स ओके एट लद्दाख के जो लाइक uh, like, uh, लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम आप याद रख लीजिएगा राधा कृष्ण माथुर नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट तो कौन सी स्टेट में ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बेसिकली हरियाणा के हिसार में से शुरुआत किया गया ओके okay, करनाल में बेसिकली नॉट हिस्ट इट इज़ स्टार्टेड इन करनाल इन हरियाणा करनाल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बेसिक ऑब्जेक्टिव की नो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कीमत लाइक uh, like, uh, कमी है इस टाइम तो ऑक्सीजन व्हील्स लाइक मोबाइल वैन्स रहेंगी जो उसमें लाइक सिलेंडर्स फिट होंगे तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी इन वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन एंड व्हील्स इनिशिएटिव से ये वहाँ तक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ हरियाणा करनाल एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा ये स्टार्ट किया गया ओके आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आप चेक कर सकते हो यहाँ से नेशनल वोटर्स से ट्वेंटी जनवरी को या फिर याद रख लीजिएगा अबूदया प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ ये उत्तर प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था ई पजात पुरस्कार अभी भी रिसेंटली यूपी द्वारा जीता गया है ग्रीन टैक्स इंपोज करेगा हमारा मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो भी हमारे ओल्ड व्हीकल्स होंगे जो प्लूट कर रहे हैं इन्वामेंट को तो ग्रीन टैक्स आपने याद रखना है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम स्टार्ट किया गया है राजस्थान में ये आप ध्यान रख लीजिएगा जो राजनाथ सिंह द्वारा गैलेंड्री अवार्ड की उस एंड ई मैगजीन लॉन्च किया गया इसका नाम है शोरेवान ओके एम डी एंड सी ऑफ धनलक्ष्मी बैंक जेके सिवान या फिर याद रख लीजिएगा अक्षय कुमार द्वारा फो लॉन्च किया गया था जैसे पबजी था वैसे ही फो है एंड uh, कौन से स्टेट के तबले को मिला था फर्स्ट प्राइज पब्लिक डे परेड में ये यूपी में मिला था यूपी को मिला था बेसिकली रैंक ऑफ इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसमें एट्टी सिक्स है ये फिर याद रख लीजिएगा न्यूजीलैंड इसमें टॉप पे है यानी कि वहाँ करप्शन सबसे कम है उसका गोल्डन पीकॉक का अवार्ड फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था इंटू द डार्कनेस ये आप याद रख लीजिएगा काजा गलज फर्स्ट फीमेल प्राइमिनिस्टर बनी है स्टोनिया की उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका फ्रे ट्रेन जो चलाया था सबसे बड़ा उसका नाम था वसु की ओके okay? तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आफ्टर दिस दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू हुज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन वूमेन टू गेट वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए आई होप यू आर इंजॉइंगज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए मैं देख रहा हूँ कि हमने कल भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया आई डोंट नो वट्स द रीज़न आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो अगर हम आपके लिए डेली टू टू, टू थ्री आवर्स निकाल के अगर मैं वीडियोज आपके लिए बना रहा हूँ तो एटलीस्ट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो ओके दिस इज योर रिस्पॉसिबिलिटी काफ़ी स्टूडेंट्स लाइक करते हैं बट आई डोंट नो वाई क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक हमारे लिए भी एक मोटिवेशन uh, रहता है बिकॉज आई ऑल् वी नीड योर सपोर्ट तो वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा इवन हमें ही थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है ओके सो गाइज थैंक यू बेस्ट ऑफ लक टेक केयर मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ सो थैंक यू एंड सी यू सूर